हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे घर में बनती है हम उसी तरह से मैगी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने गैस पर पतीली रख दिया है और यहाँ पे हमने एक बड़ी टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम तड़का लगाएंगे जीरे का। तो हमारा तेल गर्म हो गया, हम गैस का फ्लेम लो मीडियम पर कर देते हैं। हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी मैगी में टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने एक टेबल स्पून जीरे का तड़का लगा दिया है। अब हमारा जीरा पक गया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज का टुकड़ा। बारीक कटे हुए एक प्याज को हम ऐड करेंगे और हरी मिर्च 2 से 3 यहाँ पर हमने काट के ऐड किया है। ज़्यादा तीखा नहीं बनाना हमें, नहीं तो बच्चे नहीं खा पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमको इसे पका लेना। और यहाँ पे अब हम 2 टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिसको हमने कद्दूकस में घिस लिया था। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट पानी के साथ पकाएंगे, ताकि अच्छे से इसमें खट्टापन आ जाए और ग्रेवी बन जाए। और यहाँ पे अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम घर का कुटा हुआ किचन का मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है भुनी धनिया, भुना जीरा और एक पैकेट मैगी मसाला पहले हम ऐड कर देंगे, उसके बाद घर का मसाला ऐड करना है। तो एक पुड़िया हम ऐड कर दिए हैं मसाला की, और हम लास्ट में एक पैकेट और डालेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाए और खट्टापन आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने भुनी धनिया और जीरे का और हल्दी का इस्तेमाल किया है, ताकि कलर आ जाए। और मिर्च हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक यहाँ मसाले में भी होता है। चला लेंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पर मैगी की जो पाउच है उसको हम फाड़ करके यहाँ पर मैगी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम 2 पैकेट लिए हैं। अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं फ्रेंड्स उबली हुई मटर और उबला हुआ आलू 1 कप पानी के साथ। अच्छी तरह से हमने इसको उबाला है। और आलू डालने से क्या होता है कि और भी अच्छा टेस्ट आता है, हम अपने घर में इसी तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप मैगी एक बार हमारी तरह से ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपको कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो हमारे घर में इसी तरह से बनती है, एकदम सूपी नूडल हम बनाते हैं फ्रेंड्स। इसमें का सूप बहुत अच्छा होता है। आप एक बार से इस तरह से ट्राई करें इस रेसिपी को, यकीन मानो फ्रेंड्स, हमेशा आप इसी तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको उबाल लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे, ज़्यादा देर नहीं उबालना है। और लास्ट में हमें एक पैकेट इसमें मैगी का मसाला जो है, तो एक पैकेट और ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक पैकेट हमने यहाँ पर मसाला और ऐड कर दिया है। तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया और एकदम सूपी मैगी हमारी बन करके तैयार है। तो इसको एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितनी स्वादिष्ट और डिलीशियस हमारी सूपी नूडल बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, मैगी को आप अगर एक बार इस तरह से बनाएंगे, तो यकीन माने आप हमेशा ही इसी तरह से बनाएंगे, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी मैगी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।